Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we're going to discuss from class 12th English literature, that is Flamingo. और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इंडिगो. On a request of one of my students, मैं इस चैप्टर को आज डील कर रहा हूँ, वो भी पूरा एनसीईआरटी की बुक्स है. तो गाइज जो भी यहाँ पर हैं वो सीरियसली वॉन्ट टू क्लियर दिस, तो ये वीडियो मत छोड़ना. आई प्रॉमिस कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली इस पर्टिकुलर चैप्टर में. आपने कहा इट्स ऑल अबाउट इंडिगो. यस आई रिपीट, इंडिगो. व्हेन समबडी सेज इंडिगो, आई वोंट से दैट दिस इज ओनली स्टोरी. नो, दिस इज नॉट स्टोरी. दिस इज अ रियल रीजन व्हाई वी गाइस नीड टू बिलीव दैट यू नीड टू हैव अ नेम एंड अ फेम. दोज हु हैव अ नेम एंड फेम कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू. भाई जिसका नाम होता ना सीरियस, लोग उसके आगे पीछे घूमती है, दुनिया उसी के आगे पीछे घूमती है. और गांधी का नाम उस टाइम पर भी था जब कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टा, ना कोई यूट्यूब, सीरियसली कुछ नहीं था. गांधी अफ्रीका से आया था इंडिया में और किसी के थ्रू एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला को पता लगा कि भैया इस आदमी के पास जाऊंगा और मुझे हेल्प मिल जाएगी. सो ही गो एंड कॉन्टेक्ट गांधी. अब वहां से कहानी में आता है ट्विस्ट. आप बोलते हो सर मेरे पास चंपारण, मोतिहारी, डेफिनेटली बिहार, द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, मुझे अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया, मुझे चैप्टर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स को क्लियर करना है. वी गाइस नीड टू क्लियर एवरीथिंग. तो यहाँ आज मैं बड़ी तसल्ली से बैठा हूँ कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाऊं और ये चीजें क्लियर करूं. तो लेट्स स्टार्ट अप द जर्नी ऑफ इंडिगो. यस, कहते व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942 एट द आश्रम. अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो मैं आपको तरीका बताता हूँ. कहानी शुरू हुई 1942, पहले क्लियर करना कहाँ शुरू हुई, आश्रम गुजरात. हमेशा याद रखना, अगर ये चीज़ें ऐसे करोगे तो आपको कुछ भी भूलने वाला नहीं है, आप लोगों को हर चीज़ याद रहेगी. इन गुजरात स्टेप बाय स्टेप चलना आप लोगों ने, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नाउ व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 इन आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू इट विल हैपन एंड देन आई डिसाइड वाज द डिपार्चर ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. तो कहानी शुरू होती है 1942 में, जहाँ पे इसने विजिट की आश्रम में गुजरात पे गांधी के पास. और गांधी ने बताया ये कहानी शुरू थी 1917 में. यस, द ऑल हैड स्टार्टेड 1917 एज पर गांधी पॉइंट ऑफ व्यू. ये दिमाग में ना, गांधी के पॉइंट से कहानी 1917 में शुरू हुई जब फर्स्ट टाइम राजकुमार शुक्ला उसके पास आया था. हियर He had gone to the summit 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Sir, ये Indian National Congress Party का convention था कहाँ पे, लखनऊ में 1916 के अंदर. आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने. There were 2301 delegates. Should I remember this? क्या सर मुझे याद रखना होगा कि 2301 delegates थे. वो जो दो नंबर क्वेश्चन आता ना उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस 2301. Delegates and many visitors during the preceding Gandhi recounted a peasant come to me and looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district." भई मैं चाहता हूँ तू मेरे district में आ जाए. तो ये राजकुमार शुक्ला का नाम तो याद रख लेना यार, इसको मत भूलना. बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह वो मन्नू है ना, बिल्कुल मन्नू के जैसा राजकुमार शुक्ला, ये नाम भूलना नहीं जी आप लोगों. Then कहता इट वॉज द फुटहिल्स ऑफ हिमालय टॉवर हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. अब यहां से मैंने एक चीज सीखी, मैंने पर्सनली एक चीज सीखी, अगर तुम फ्री भी हो ना और कोई तुम्हें बुला रहा है तो जाओ मत भाई, भाई मुझे काम है, मुझे काम है, तो मेरे को यहां यहां जाना है, आई बी अवेलेबल एट दैट द टाइम. गांधी उस टाइम पर भी जानता था दैट इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ पीपल वोंट वैल्यू यू. अगर आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल हो तो कोई आपको पूछेगा ही नहीं. गांधी कभी किसी के लिए अवेलेबल नहीं हुआ हमेशा. यहाँ वो उसके पास आया, उसका जा सकता था पर उसने बोला नहीं भाई मैं बिजी हूँ. गांधी ने मेरी ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ मैं जाऊँगा. वो देखा गांधी कि जहाँ वो जाता उसको फॉलो करता था. गांधी इज क्वाइट इम्प्रेस विद दिस पीजन. अरे भाई सीरियस बंदा, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आ रहा है. गांधी कहता चल भाई जहाँ चलना चलते हैं. लेट्स स्टार्ट अप. अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट चंपारण पीजन वर शेयर क्रॉपर. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. ही वॉज इलिटरेट बट रेजुलेट. ये लाइन याद रखना, ही वॉज इलिटरेट बट रेजुलेट. अनपढ़ होना समझ में आता है लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ना जानना आता है.
वो ऐसा था कौन, राजकुमार शुक्ला, भूल मत जाना यार। He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." Why are they? Landlords ki jo dada giri thi na, honestly, jo chahte the wo kar rahe the. To kisne usko bola ki ja aur Gandhi se baat kar, talk to Gandhi. Gandhi told Shukla he had appointment in Kaupon and also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Allahabad. Shukla followed him to ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. Yes, usne kaha ek date to de do yaar. Please give me a date. Impressed by the sharecropper tendency in the story of Gandhi, I had come to Calcutta and such date. Come and meet me and take me from there. Gandhi bola main is date ko Calcutta aunga. वहाँ आ जाइए, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। यहाँ हम लोग अपने दिल्ली से बाहर नहीं जा पाते, ये बंदा कलकत्ता जा रहा है, आश्रम जा रहा है एट 1917। ऑनेस्टली यार, गांधी क्वाइट अ पॉपुलर गाय एट दैट टाइम, तो यहाँ इंटरेस्ट आना चाहिए हम लोग। ऑनेस्टली वीडियो बनाते हैं, मैं कुछ आप लोग वो नहीं कर रहा, ये मेरी क्लास चल रही है तो इसके अंदर मैं वीडियो बना लूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि इसको क्लियर कर लो। तो ज़्यादा अगर चाहिए तो गाय नंबर आना नीचे, यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, दैट्स ऑल। कम टू द नेक्स्ट फेज। कहता है इंप्रेस्ड बाय शेयरक्रॉपर टेंडेंसी एंड द स्टोरी गांधी सेड हैव टू गो कलकत्ता इन सच एज दे डिड, कम एंड गेट मी फ्रॉम देयर। सो मंथ पास, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन अ हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता। शुक्ला वहीं बैठा हुआ है, ही वाज वेटिंग, भैया कब होगी सुबह और मैं कब गांधी से मिलूंगा, एंड आई बी एबल टू गेट हिम। इज इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताना यार, कमेंट बॉक्स आपका है। आगे आते हैं, कहता देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन एंड सी टू द पटना इन बिहार। द शुक्ला हैड लेट देम हाउस द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। भाई एक लॉयर के घर लेके गए, लॉयर का नाम था राजेंद्र प्रसाद। कौन लेके गया? शुक्ला। ये राजेंद्र प्रसाद को जानते हो यार, मस्ट हैव हर्ड दिस नेम राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी टू। बना था, फर्स्ट नहीं था लेकिन प्रेजिडेंट बना था, लेकिन इंडिया का तो फर्स्ट प्रेजिडेंट था वो यार। अ प्रोमिनेंट लीडर हु बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड देन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज द टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला इज अ पुअर ना यो मैन। सर वो तो घर था नहीं, लेकिन उसके नौकर जानते थे भैया ये जो पीजन था ये आता था हमारे मालिक के पास। उसको लो चलो ये साइड बैठ जा, कोने बैठ जाइ एंड डोंट ट्राई टू टच द वाटर। सर ये कौन सा वाटर? वो वेल से जो कुएं से वो निकालते थे। क्यों? शुक्ला वॉज अनटचेबल गाय, यूज अनटचेबल गाय। सर ये अनटचेबल कौन था कि टच कर दिया और सब खत्म हो गया यार, ऐसे मानते थे लोग अनटचेबिलिटी थी। तो गांधी उसके साथ होगा, ये भी अनटचेबल होगा, तू भी बैठो। उनको कैसे पता था कि गांधी जो है वो ब्राह्मण है? भाई मैंने तो यही पढ़ा दैट ही वाज ब्राह्मण, तो भाई ब्राह्मण था गांधी, तो उसको बोला तू भी यहाँ बैठ जा, तो दे ट्रीट हिम लाइक एन अनटचेबल। तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर अनटचेबिलिटी को शो किया गया, एक सोशल सर बहुत बड़ा कॉज था उसको डिफाइन किया गया स्टोरी के अंदर। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हुआ। चलो यार वो वहाँ था नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। गांधी डिसाइड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब पहली जगह मुजफ्फरपुर, जहाँ गांधी ने कहा मैं जाऊँगा। वेयर नीड टू गो? मुजफ्फरपुर। आई होप आप लोग लिख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ बनाया। नहीं लिख रहे तो लिखना ज़रूरी है यार, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलना। तो यहाँ पहले राजेंद्र प्रसाद की विजिट हुई, फिर मुजफ्फरपुर। ये आपका टाइम है, अगर मैं यहाँ ही भी काम करूँगा तो डेफिनेट टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। कहता विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑप्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। जो शुक्ला नहीं दे पाया, काफ़ी सारी चीज़ें गांधी चाहता था कि वो सारी चीज़ जान पाए। वेन यू गोइंग टू डू समथिंग ना, यू नीड टू बी प्रिपेयर फुली। छोटी मोटी प्रिपरेशन से काम नहीं होने वाला, मुझे तैयारी पूरी करनी है। सो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani. भैया ये नाम याद रख लेना प्लीज, J.B. Kriplani। अगर आपने ये नाम भूल गए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको जो Kriplani है, इसके Kriplani के स्टेटमेंट को याद रखना है। उसने एक स्टेटमेंट दी, मैंने J.B. के लिख दिया, प्रोफेसर J.B. Kriplani। आई होप आपको याद आएगा। ये मुजफ्फरपुर भी याद रखना कि मुजफ्फरपुर के बाद हम आए थे कहाँ पे, J.B. Kriplani, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। वो रात को, सर रात को नहीं, मिड नाइट गांधी को लेने आया था।
कहता है शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इंपार्टिंग अकॉर्डिंग टू सेंट द एलिगेंट प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। टैगोर शांति निकेतन स्कूल, आई होप अब आपको याद आएगा ये नाम, याद रहना है कौन सा, टैगोर शांति निकेतन स्कूल। सो द ट्रेन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रेन यहाँ पे आती है, अराइव्ड एट द मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, दिस इज समथिंग वेरी। सो द ट्रेन अराइव्ड, अब यहाँ पे जैसी वो ट्रेन आती है भाई, यहाँ पे कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी स्टूडेंट्स। कृपलानी भाई स्टेशन पे है, उसका बहुत सारे स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट, गांधी स्टेड देयर फॉर द 2 डेज इन अ होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी। नाउ सर मलकानी आ गया, अब प्रोफेसर कृपलानी है, प्रोफेसर मलकानी के घर पर होगा, किसके घर पे, मलकानी नॉट मलकानी। सो कहता आ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी कमेंटेड फॉर द गवर्नमेंट प्रोफेसर इन हाब अ मैन लाइक मी इन अ स्मॉल लोकेलिटीज इन इंडिया वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल। सॉरी दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एक आदमी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा हो उसको अपने घर पे रखना 2 दिन, बहुत बड़ी बात यार। वो भी आप क्या करो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, बींग अ गवर्नमेंट वर्कर। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड द चंपारण शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग एट फुट एंड बाय कन्वे टू सी देयर चैंपियन। अरे जंगल में आग की इतना न्यूज़ फैलती है कि भाई कोई महात्मा आया जो हमारे लिए लड़ने आया, तो अलग अलग जगह से लोग भाग के आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए भाई कौन है चैंपियन, वी वॉन्ट टू सी हिम, इज दैट ओके। चंपारण बिगिन अराइव द फुट्स एंड कन्वे टू सी द चैंपियन मुजफ्फर लॉ इज कॉल्ड गांधी टू ब्रीफ हिम फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन पीस ग्रुप्स इन कोर्ट्स दे टोल्ड हिम अबाउट द केस एंड रिपोर्ट द साइज ऑफ द फी। अब जितने लॉयर्स थे सारे सारे वहाँ इकट्ठे हो गए, सारे लॉयर्स वहाँ आ गए, सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं, गांधी को बता रहे हैं अपने फीस, ये फीस रहेगी, ये फीस रहेगी। सीरियसली गांधी ने देखो, और गांधी सो he was very fed up yaar, he chilled with the laws, what the hell you want really, these poor peasants go to courts or solve the problem, agar inke itne paise hote to ye apne aap solve kar lete, inko problem hi na hoti। laws keh rahe bhai hum to lawful way mein to yehi kar sakte hain bhai, jisne lawyer hai jo law ki padhai ki hai free to nahi ki na usne, wo to charge karega, lekin agar wo gareeb se hi charge karenge to fir to gareeb solution mangne kahan jayega, kahin nahi ja sakta। अब गांधी कहते हैं भाई हम तो यही करते हैं, व्हाट यू सजेस्ट, गांधी कहते हैं मैं तो जेल चले जाऊंगा इनके लिए। अब उनको लगा भाई अगर ये जेल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, वी टू नीड टू फॉलो हिम, लुक एट हियर। गांधी चिल्ड्रन द लॉयर फॉर कलेक्टिंग अ बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, ही एडेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू कोर्ट्स taking such cases the court does little good where the peasants are so crushed and fear shaken, low courts are useless, the real relief for them is to be free from fear, free from fear, this word must be in your mind, free from fear। most of the locations now arable land of the champaran district was divided into large chunks owned by the Englishmen, worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlord compelled all the tenants to paint 3/20 of the 15% of the holding of the indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. This was done long-term contract. A contract was that the zameen ke area ka 15% mein aap kya karoge? Aap indigo ko doge. Job in form of rent hame de doge. Sir, 15%. ये कमर्शियल क्रॉप थी पूरी तरह से, इंडिगो नील की खेती, और जहाँ ये होती है वहाँ वेस्ट लैंड बन जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया, तो अब उनको इंडिगो चाहिए नहीं थी, नाउ दे वांट द रेंट, नाउ अब उनको रेंट चाहिए, अबे ज़मीन ख़राब हो गई यार, हाउ आर दे गोइंग टू डू, इज दैट क्लियर। सो प्रेजेंट द लैंडलॉर्ड लर्न द जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स। अब शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वाज रिक्साम ऑफ द पीजेंट्स एंड मेनी साइन विलिंगली, दोज रिजिस्ट एनलार्ज्ड लॉयर द लैंडलॉर्ड हायर टक्स वाइल द इंफॉर्मेशन ऑन सिंथेटिक इंडिगो रीच द लिटिल पीजेंट्स हू हैड साइन एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक। भाई ये तो आप चीटिंग करो, हाँ वी डोंट वॉन्ट दिस, आप हमारे पैसे वापस दो भाई, जब लोगों को पता लगे तो चीटिंग हो रही है यार सीरियसली, तो हमें तो नहीं चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड एट चंपारण, और यहाँ पे गांधी का अराइवल था। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आएगा,
He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. The secretary told him that they could only give information to outsider. Gandhi answered that he was not an outsider. वहाँ गया सीरियसली विजिट द सेक्रेटरी ब्रिटिश काउंसिल. उसने बोला मैं किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देता. गांधी कह रहा है हू द हेल यू आर, आई एम नॉट आउटसाइडर, आई एम एन इंडियन, यू पीपल आर आउटसाइडर. सीरियसली तुम ब्रिटिश पीपल, यू आर द आउटसाइडर, आई एम नॉट, आई एम नॉट इंडियन या. द नेक्स्ट गांधी कॉल द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू तिरहुत डिविजन पब्लिक चंपारण डिस्ट्रिक्ट. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी टू फोर्टिफाई टू लीव तिरहुत. अब हाँ कमिश्नर गांधी बोला यहाँ से निकल जा फटाफट, जितनी जल्दी निकलेगा तेरे लिए बहुत बेटर हुआ. गांधी कहता है यार मैं तो नहीं निकलने वाला, इट्स माय कंट्री, आई एम हियर टू स्टे, सो नोबडी कैन थ्रो मी आउट फ्रॉम देयर. गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतीहारी द कैपिटल चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकॉम्पनीड हिम एट द रेलवे स्टेशन. अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी. ही वेंट टू हाउस एंड यूज्ड एज द हेडक्वार्टर, कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेशन. अ रिपोर्ट कम इन दैट प्रिजन हैड बीन मॉल्टर्ड इन नियर बाय विलेज. गांधी डिसाइड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्टार्टेड आउट द बैक टू एलिफेंट. ही हैड नॉट प्रोसीड फोर देन पुलिसमैन सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटेक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन. उसको भैया कहते थे समन दे दिया, भैया समन पकड़ और यहाँ से वापस चला, तेरे अगेंस्ट वारंट निकल चुके. गांधी ने उसको विलिंगली साइन किया, कह रहा है मैं नहीं जा रहा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो. उखाड़ लो नहीं बोला था उसने, बोला आई एम नॉट गोइंग टू लीव. कहीं पेपर में तो वो लिख के आ जाओ, डोंट डू दैट. ठीक है, दिस इज फॉर यू अंडरस्टैंडिंग ओनली. देन इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव अ समन अपीयर टू बी कोर्ट नेक्स्ट डे. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. द टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम द बिहार इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंड्स. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वॉइसरॉय. मॉर्निंग फाउंड राउंड मोतीहारी ब्लैक विद पीजन. दे डिड नॉट नो द गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. अब मॉर्निंग में पूरी मोतीहारी भर गई थी किसे, पीजन से. दे वॉज इन ट्रबल द अथॉरिटी एंड स्पॉन्टेनसली डेमोस्ट्रेट द थाउजेंड राउंड द कोर्ट हाउस वॉज बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. अब एक कोर्ट हाउस है, 30-35-40 ज़्यादा ब्रिटिशर होंगे, पुलिस फोर्स होगी और हजारों में गांधी के सपोर्टर. अब डर में कौन होगा, गांधी या ब्रिटिशर्स, सीरियस ब्रिटिशर अथॉरिटी, भाई ये लोग तो कुछ भी कर देंगे यार. एंड देन द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कॉपरेशन. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. ही वॉज गिविंग देम द कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट had to decide unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authority wished to consult their supporters. Superiors. Gandhi protests against the delay. Gandhi kar delay kyun kar rahe jo decision lena lo. I'm here. I'm waiting for your decision, guys. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in conflicted duties. On the one hand, not to set a bad example as a law breaker. On the other hand, the render of the humanity and the national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for the want of respect lawful authority, but in obedience to the higher law of the being, the voice of conscience. He asked the penalty due. Keh raha, jo penalty aap mujhe batao, I'm going to pay. I'm not going to leave. I'm here. आप बोलो मैं हेल्प करूंगा चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए. द मैजिस्ट्रेट अनाउंसेस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर 120 मिनट्स. गांधी रिफ्यूज. द जज रिलीज हिम विदाउट एनी बेल. कह रहा बेल ले ले 2 घंटे की. कह रहा मैं क्यों लूँ बेल, मैंने ले रहा बेल. जज ने उसको ऐसे फ्री कर दिया, ठीक है अभी बेल पे जा. When the court reconstructed, the judge said he would not deliver the judgment of several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain liberty. जज कह रहा भाई मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं थी. उसने कहा थोड़े दिन लगे तब तक गांधी फ्रीली घूम सकता है. इन बिटवीन राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजफ्फर हक, सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. दे कन्फर्ट विद गांधी व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. सबके सब आ गए, सब बोल रहे भाई क्या करेंगे यार वो प्रिजन में चला गया तो. गांधी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज हिम. Now, if he want to jail, where would be nobody advise them, would go home. Nahi to ghar jayega wapas. What about the injustice sharecropper? To jo sharecropper sa injustice ho raha, uska kya? Uske liye kon ladega? Gandhi demanded the lawyers withdraw to consult. Lawyers ka hum
कंसल्ट करते हैं आपस में। राजेंद्र प्रसाद वाज रिकॉर्ड द अपशॉट ऑफ द दिस कंसल्टेंट दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द स्ट्रेंजर्स येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन एंड द सेक ऑफ पीजेंट्स इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द जॉइंट इन डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हू क्लेम टू हैव सर्व्ड दोज पीजेंट्स शुड गो होम इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। सी दिस इज अ वो लोग तो वहीं रहते थे उन्हीं के साथ वहीं पे अगर वो घर चले जाएंगे तो बहुत इंसल्टिंग हो जाएगा। They shouldn't go. Now, they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle Champaran is won. Explained, then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Sabke sabka, pata nahi court arrest kaise denge sab. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him to Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. Ki case drop ho gaya Gandhi against. सिविल डिसऑर्डर हैड बीन अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में द सिविल डिसऑर्डर हैज बीन अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया एक्सप्लेन। तो गांधी का पूरा एपिसोड बताना है आप लोगों ने उस क्वेश्चन के आंसर में। गांधी वॉज लॉयर एंड प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फॉर फ्लंग इंक्वायरी इन टू ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर डिपोजिशन बाय द 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट कलेक्टेड एंड द होल एरिया ट्रबल्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट टू ही मेट Leading association again the leading detailed plans and civil disobedience if he should not return. कि अगर वापस नहीं आता तो plan करके गया कैसे आप लोगों ने movement को चलाना है। Gandhi had four precedent interview with the lieutenant governor who as a result appointed the official commissioner of inquiry into indigo sharecropper situation. The commission considers the landlord, government official and Gandhi as the sole representative of peasants. Gandhi remained Champaran for initially unrepeated period of 7 months and then again several shorter visits. The visit undertaken casually on the encounter of the altered peasant association that should last few days occupied almost a year of Gandhi's life. To ek saal lag gaya is pure incident ko. The official inquiry assembled a crushing mountain evidence against the big planters who had sought this agreed the principle to make refund of peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi, kitna pay karna bhai? How much? They thought he would demand the repayment of full of the money which they had been illegally deceived, extorted from the sharecropper. He asked only 50%. There he seemed adamant. Writer Reverend J. H. Hedge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode in close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund extended to 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took his word, thus breaking the deadlock. वो 25% के लिए माने और ये उस पर agree हो गया। क्यों? Because he believed that the amount is not everything. बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये लगना चाहिए कि अगर वो गलत करेंगे इन अ आई ऑफ लॉ दे हैव टू पे टू। दिस वाज द चैप्टर इंडिगो। इसके बाद आपको बताया गया वहाँ पे हालात क्या थे एजुकेशन के लिए सैनिटेशन के लिए जो जो गांधी ने किया उसके फॉलोअर्स ने किया वो हाईलाइट किया। गांधी का एक फॉलोअर था यहाँ पे एंड्रयू जो उसके साथ चल रहा था उसको डिफाइन किया गया। जब वो यहाँ से वापस आश्रम जा रहा था तो इसके जो दोस्त थे लॉयर्स इन्होंने कहा इसको एंड्रयू को यहाँ छोड़ जाओ। तो गांधी कैन रीड द माइंड्स ऑफ दीज पीपल। गांधी कहते क्यों यू वॉन्ट अ ब्रिटिशर विद यू अ फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो यहां पर राजेंद्र बताया दैट ही कैन रीड अ माइंड। दिस इज द इंडिगो जो आप लोग वॉन्ट पहुंची। यस आई कैन एक्सप्लेन ऑल दैट इन अ स्मॉल वर्जन। मैं एक छोटे वर्जन में एक्सप्लेन कर सकता था बट मैंने एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाया था क्या पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।